सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बेसन की कढ़ी बनाने चल रहे हैं, लगभग 4-5 लोग के लिए। तो छोटी कटोरी से एक कटोरी हमने बेसन लिया है। जितना बेसन है हमारा उतना हमने दही लिया है। अब इसको मिलाएंगे। हमको थोड़े थोड़ा थोड़ा पानी में ही मिलाना है इसको। इसको हम अच्छी तरीके से पहले फेंट लेते हैं दही, इसमें नहीं तो फटा फटा दिखेगा दही। अब हम धीरे धीरे पानी डाल के और फेंटते हैं। इसको हम फेंट के मिला लिए थे बेसन, इसमें लगभग हम 3-4 कटोरी पानी मिलाए हैं। एकदम पतला घोल बना के इसको तैयार करके रख दे रहे हैं। अब हम इसमें पकौड़ी के लिए बेसन मिलाएंगे। एक कटोरी बेसन ले रहे हैं। हम इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी मिला रहे हैं, आधा छोटा चम्मच मिर्चा पाउडर है हमारा, जीरा पाउडर, हल्का सा इसमें हम नमक मिला रहे हैं। इसको हम मिला लेते हैं, पकौड़ी के लिए तैयार कर लेते हैं बेसन। बेसन को हनी करना है। कढ़ी बनाने के लिए हम मसाले को मिला रहे हैं इसमें से अलग से। एक छोटा चम्मच हम गरम मसाला लिए हैं और आधा छोटा चम्मच हल्दी लिए हैं, आधा छोटा चम्मच हमारा मिर्चा पाउडर है। इस मसाले को हम मिला ले रहे हैं। कढ़ाई हमारी गरम हो रही है। अब इसमें हम सरसों का तेल डाल रहे हैं। ये हम इसमें मेथी दाना डाल रहे हैं। ये हम इसमें छोटा बारीक कटा हुआ प्याज डाल रहे हैं। इसमें हम लहसुन मिर्च अदरक का पेस्ट लिए थे, इसमें मसाला था। इस मसाले को हम धीमी आंच में थोड़ी देर पका रहे हैं, अच्छे से मसाला हमारा हो जाए। इस तरह से कढ़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। इसको हम थोड़ी देर पका के तब बेसन डालेंगे। ये हम इसमें धीरे धीरे बेसन डाल के चलाते रहेंगे। इसको हम बराबर चलाते रहें, देखिए बिल्कुल गाढ़ा नहीं हुआ है और फटा भी नहीं है। इसमें हम नमक डाल देते हैं, स्वाद अनुसार नमक डाल दिए। अब इसको थोड़ी देर के लिए भी हम और चलाएंगे जब तक गाढ़ा ना हो जाए। इसके बाद हम पकौड़ी तैयार कर लेते हैं। बेसन को इस तरह हम घोल बनाए हैं। इसमें बारीक कटी हुई प्याज हमने थोड़ा सा मिला लिया है, ये देखिए। इसको हम बनाने चल रहे हैं। तेल हमारा गर्म हो रहा है। इस तरह से हम इसमें पकौड़ी बनाएंगे। ये पकौड़ी इधर तैयार हो रहा है और इधर कढ़ी भी जो है धीमी आंच में पक रही है और इधर और निकल गया है।
ये पका जब पूरा निकल जाएगा तब इसको भुजा दिया जाएगा। ये हमारी पकौड़ी जो है एकदम देखिए सॉफ्ट है और एकदम जालीदार है, इसको हम डाल देते हैं इसमें। ये हमारी कढ़ी हल्की पतली ही हम किए हैं। देखने से तो सही लग रहा है, भाई खाने में तो मजा आएगा। ये हम तड़का तैयार कर रहे हैं कढ़ी के लिए, तो हम आप लाल मिर्चा ले सकते हैं, हरा लिया है, लाल नहीं है तो। ये हैं पत्ता भी लिए हैं और इसमें अभी तड़के से हम तड़के को लगा देंगे। कढ़ी बन के तैयार। ये हमारी कढ़ी बन के रेडी हो गई है, इस तरह से बनी है, देख लीजिए, ना मोटा है और ना ही पतला है, ना मीडियम है। ये देखिए वाओ, ये कितना टेस्टी बना है। आप लोग भी इस तरह से बनाइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों, धन्यवाद। ये कढ़ी बहुत ही